फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए बायोकेमिस्ट्री की ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमको पता करना है कि बायोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो बायोकेमिस्ट्री, जैसे कि बताया गया है, बायो मतलब बायोलॉजिकल थिंग्स, केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री, जहाँ पे हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड या एटम्स इन सब के बारे में पढ़ते हैं वो केमिस्ट्री, और बायो बायोलॉजिकल, तो यहाँ पर हम अपनी बॉडी की केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम बायोकेमिस्ट्री है। वन पेज नोट्स के थ्रू यानी ओपीएन के थ्रू आज एक पेज में ही देखो इतना सब है बस, इसमें हम पूरा डी फार्मा का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। अब आप इसको डी फार्मा का फर्स्ट चैप्टर मानो या बायोकेमिस्ट्री का इंट्रो मानो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्कोप से। तो बायोकेमिस्ट्री इज अ साइंस ब्रांच या ब्रांच ऑफ साइंस। अब सारी केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, कुछ भी हो, ये सब ब्रांच ऑफ साइंस ही होते हैं। उसके बाद इसमें हम केमिकल नेचर के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि ये केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री चाहे बॉडी की हो या बाहर की हो, उसमें केमिकल्स तो आने इम्पॉर्टेंट हैं। केमिकल से ही केमिस्ट्री बनाए, इसलिए केमिकल नेचर का मतलब हो जाएगा केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, मतलब अब बायोमोलिक्यूल्स खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, ये सब खाएंगे तो उनके मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। कि उन मेटाबॉलिज्म का मतलब बेसिकली हो जाएगा कि वो डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, एब्सॉर्ब कैसे हो रहा है, एक्सक्रीट कैसे हो रहा है, या मेटाबोलाइज कैसे हो रहा है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब हैं, अब अगर ये कम हो जाएंगे या ये ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारी बॉडी में हो जाएगी डिजीज़, और डिजीज़ हो जाएगी तो उसको करना पड़ेगा डायग्नोस। तो डिजीज़ डायग्नोसिस के लिए भी बायोकेमिस्ट्री का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो बायो मॉलिक्यूल्स में दो टाइप के बायो मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स बेसिकली वही होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे अभी इनके थ्रू बताते हैं। जैसे माइक्रोबायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोबायो मॉलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रो में आ जाएंगे छोटी छोटी सब यूनिट्स होते हैं वो माइक्रो होते हैं, और मैक्रो में जो ज़्यादा ज़्यादा से होते हैं, ये मतलब एक कंपनी है, तो मैक्रो मॉलिक्यूल कंपनी हो जाएगी, उसमें जो सब जॉब कर रहे हैं वो लोग माइक्रो हो जाएंगे। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाएंगे, जैसे प्रोटीन है ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इसमें अमीनो एसिड्स इसकी सब मॉलिक्यूल है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है तो कार्बोहाइड्रेट्स बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इसमें ग्लूकोज इसकी सब यूनिट है। ऐसे फैटी एसिड में फैटी एसिड्स फैट्स की हैं, और फॉस्फोन्यूक्लियोटाइड्स हमेशा न्यूक्लिक एसिड की माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल में आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारा कुछ, ठीक है। अब इतना तो स्कोप हमने पढ़ लिया कि ये ब्रांच ऑफ साइंस है, केमिकल नेचर के बारे में पढ़ते हैं, बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, डिजीज़ हो जाए तो उसका डायग्नोसिस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी में, लेकिन बायोकेमिस्ट्री के थ्रू करते हैं। अब ये बायोमोलिक्यूल्स क्या क्या हैं ये पढ़ लिया, अब इसके बाद बात करते हैं फील्ड्स की। तो बायोकेमिस्ट्री में अब जॉब के प्रोस्पेक्टिव से जाएंगे, तो जॉब के प्रोस्पेक्टिव से आपको फील्ड्स के बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फील्ड्स में हम आते हैं फर्स्ट नंबर पे एंजाइमोलॉजी, बायोएनर्जेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। तो फर्स्ट एंजाइमोलॉजी में ये चीख चीख के बोल रहा है कि एंजाइम, इसमें हम एंजाइम्स की स्टडी करते हैं। एंजाइम के बिना हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब फास्ट नहीं हो सकता। इसको एकदम बायो कैटलिस्ट मान लो, जैसे नाइट्रोजन मान लो, एकदम ऐसे लगा दो तो मतलब एकदम फास्ट फास्ट से चीज़ें होने लगती हैं एंजाइम से, जो रिएक्शन हमारी बॉडी में बिना एंजाइम के बहुत धीमे धीमे चल रही है, वो एंजाइम की हेल्प से बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चलने लगेगी और इफ़ेक्टिव रिएक्शन कहलाएगी। बायो एनर्जेटिक्स में हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एनर्जी का जैसे ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। जैसे कहते हैं ना, जिसके पास पैसा बहुत है, बहुत गर्मी है, मतलब पैसे की एनर्जी है, पैसे की गर्मी है, वैसे हमारी बॉडी में जिसके पास एनर्जी है होती है, तो अब एनर्जी बॉडी पैसे के रूप में तो लेता नहीं है, तो ये एटीपी के फॉर्म में लेता है। एटीपी को इसीलिए हमारी एनर्जी करेंसी कहा गया है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। तीसरा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, आरएनए, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, इन सब के बारे में मॉलिक्यूलर बेसिस पे पढ़ते हैं, जो मॉलिक्यूलर बेसिस पे होते हैं। अब आए क्लिनिकल बायोलॉजी,
बायोकेमिस्ट्री, अब ये तो बता ही रहा है क्लिनिकल मतलब चिकित्सा यानी डॉक्टर, ये सब जो क्लिनिकल पैथोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी इन सब की बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये हो गई फील्ड, ये हो गया स्कोप। अब पूरा बायोकेमिस्ट्री पूरा रिलेटेड ही है सेल से, तो सेल आओ सेल सेल को जान लेते हैं एक बार ही, ठीक है। सेल, अब सेल क्या होता है, सेल ऐसे तो घर है, मकान है। आप बोलेंगे कि मकान को जान ले, तो मकान को सीधा थोड़ी ना जानेंगे। मकान को जानने के पहले हमको उसके उसमें रूम होगा, किचन होगा, बाथरूम होगा, सारा कुछ होगा। वैसे ही सेल है और उसके इतने सारे ऑर्गन भी हैं। सेल में, सेल बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी को, जैसे घर को बनने के लिए ईंट बेसिक यूनिट होती है, वैसे बॉडी को बनने के लिए सेल सबसे पहले सेल होगा। सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से एक जीता जागता इंसान बनेगा। तो सबसे पहले बेसिक यूनिट है। अब सेल है, उसमें मार्कर होंगे एज ए एंजाइम, जैसे इतना सारा कुछ मैंने लिख डाला, किसके हेल्प से, मार्कर के हेल्प से लिख डाला। वैसे ही बॉडी में जो सेल हैं, सेल के जो ऑर्गेनली हैं, सेल के जो पार्ट हैं, उनको हम देखेंगे किसके हेल्प से, मार्कर के थ्रू देखेंगे। तो जैसे सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पावर हाउस टाइप का होता है, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस आई नो, बट न्यूक्लियस एकदम ब्रेन टाइप का होता है सेल का, ठीक है। सेल का ब्रेन मान लो, सेल का हार्ट मान लो, कोई भी इंपॉर्टेंट मान लो, ये न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें होते हैं क्रोमोसोम और इसका मार्कर होता है डीएनए। दूसरे नंबर पे इसका ऑर्गेनली आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल होता है, इसी में सारा एटीपी वगैरह सब कुछ बनता है। तो और इसका इसका जो मार्कर है वो है टीसीए। टीसीए का मतलब सिट्रिक एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ चलती है, सिट्रिक एसिड साइकिल में चलती है। अगर आपको सिट्रिक एसिड साइकिल का अच्छा सा एक वो चाहिए, इंट्रो चाहिए, अच्छे से लर्न करने को चाहिए, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में करके बताइए। और इसके एंजाइम होते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेस, ये इसका एंजाइम है। देखो डिहाइड्रोजिनेस दिया, इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा, ठीक है। तीसरा ऑर्गेनिज्म आ गया राइबोसोम। राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस बनाता है। हमारी बॉडी में जितना भी प्रोटीन बनता है वो राइबोसोम की हेल्प से ही बनता है। और प्रोटीन के बाद क्या होता है, आरएनए सिंथेसिस। और दूसरा चौथा आ गया एरिथ्रोसाइट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस ये ईआर से हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन एंड लिपिड बोथ सिंथेसाइज होते हैं, दोनों फॉर्म होते हैं। और इसका एंजाइम होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, ये बेसिकली एंजाइम है ग्लाइकोलिसिस का। अगर आपको ग्लाइकोलिसिस भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको 2 से 3 मिनट में पूरी ग्लाइकोलिसिस आपको एकदम फिंगर टिप पे लर्न करा देंगे। नेक्स्ट आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में लाइसोसोम का पीएच इतना कम होता है, 5 होता है। अगर ये हमारी बॉडी में फट जाए ना, तो हमारे खुद के सेल्स को ही खाने लगती है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। और ये इसमें डिग्रेडेटिव एंजाइम बेसिकली पाए जाते हैं, हाइड्रोलिसिस बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। अभी के लिए इतना जान लो कि इसमें एसिड फॉस्फेटेस एक मेन एंजाइम पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी मेम्ब्रेन का है, मेम्ब्रेन को मान लो सेल की चार दीवारी, जैसे घर की चार दीवारी होती है वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे घर की चार दीवारी से लोग आते जाते हैं, वैसे इसमें मॉलिक्यूल आते जाते हैं। इसमें कौन सा एंजाइम होता है, इसमें होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेस एंजाइम। फिर आ गया गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस का काम होता है कि ये प्रोटीन ग्लूकोज इन सबको सॉर्टिंग करता है, पैकेजिंग करते हैं इन सबको। बन तो यहाँ गया राइबोसोम में प्रोटीन बन गया, अरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन लिपिड वगैरह दोनों बन गए, अब उसकी पैकेजिंग भी तो चाहिए। तो गोल्गी एपरेटस उसकी क्या करेगा, उसको सॉर्ट करके कि हाँ सही है चलो पैक कर देते हैं, उसकी पैकेजिंग करता है। इसमें ये एंजाइम होता है ग्लाइकोसोरलेज ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। नेक्स्ट आ गया पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम क्या करते हैं, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड्स को डिजनरेट करते हैं, और इसमें कैटलेज एंजाइम होता है यूरिक एसिड ऑक्सीजेस, ठीक है। नेक्स्ट आ गया साइटोस्केल्टन। जैसे शरीर का स्केल्टन होता है ना, वैसे सेल का भी स्केल्टन होता है, उसको बोलते हैं साइटोस्केल्टन। ये इसमें माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, छोटे छोटे 9+2 के अरेंजमेंट में माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, फिलामेंट्स भी होते हैं, और इसमें कोई मार्कर की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट आ गया साइटोसोल। साइटोसोल मान लो पूरा मिक्सचर आ गया, मतलब मिक्सचर का मतलब समझ रहे हो ना, साइटोसोल में आ जाएगा पूरा, जिसमें एंजाइम तैरते रहते हैं ना, उसी को बोलते हैं सेल का पूरा लिक्विडी पार्ट। अब इसमें ग्लाइकोलिसिस चलती है, फैटी एसिड सिंथेसिस होते हैं और ग्लाइकोलिसिस चलती है। इसका एंजाइम होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस।
तो सेल इसके ऑर्गेनिज्म इतना तो पढ़ लिया हमने, इसका स्कोप पढ़ लिया, फील्ड पढ़ लिया। अब इसके एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के बारे में आ जाते हैं। तो सबसे पहले तीन तरीके से करते हैं, आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनली और बायोमोलिक्यूल करते हैं। मतलब सबसे पहले तो ऑर्गेनली या बायोमोलिक्यूल हो उसको निकालो, जैसे एक है उसको निकाला, उसको एक मीडियम में डाला, उसको तोड़ डाला, आइसोलेट किया। जैसे इतनी बड़ी चीज़ है लेकिन आपको चाहिए इसका ये वाला, जैसे इतनी बड़ी चीज़ है लेकिन आपको इसका छोटा सा पार्ट चाहिए, तो इसको क्या करो, आइसोलेट करना है। इसको आइसोलेट करने के लिए हम इसको एंजाइम में डालेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ये सब करेंगे, है ना। इस वजह से तो इसका पहला स्टेप हो जाएगा आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनली इनटू बायोमोलिक्यूल, और इसका दूसरा स्टेप हो जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ देयर स्ट्रक्चर, और तीसरा हो जाएगा एनालिसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म। ये तीनों इसके एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेज हैं। इन तीनों के थ्रू हम बायोमोलिक्यूल को बॉडी से रिमूव करते हैं और एनालाइज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको वन पेज नोट्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको नेक्स्ट चैप्टर का भी प्रोवाइड करा देंगे। और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कर दो, मतलब कर ही दो, और जो कमी रह गई हो वो बता देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।